हेलो बच्चों, डीसीएम टेस्ट सीरीज फॉर जेई मेन 2021 के मेजर टेस्ट नंबर 09 की वीडियो सॉल्यूशन में आपका मोस्ट वेलकम। तो हम यहां पर देखने वाले हैं फिजिक्स पेपर 1 के वीडियो सॉल्यूशन को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चार्ज Q1 एंड Q2 लाए इनसाइड एंड आउटसाइड रेस्पेक्टिवली ऑफ ए क्लोज सरफेस एस। लेट ई बी द फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस एंड phi बी द फ्लक्स ऑफ ई ओवर एस। तो इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं रैंडमली। ये सरफेस एस है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ हमने Q1, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, और बाहर एक चार्ज है Q2, करेक्ट। तो Q1 तो इनसाइड है एंड Q2 आउटसाइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस पर ही हमें देखना है और ये एस सरफेस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1। इफ Q1 चेंजेस बोथ ई एंड फाई विल चेंज। अगर आप Q1 को चेंज करोगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है इस सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो फाई जो है वो Q1 पे ही तो डिपेंड रहेगा। Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट होगा तो डेफिनेटली फाई चेंज होगा। एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी चेंज होगा। जैसे मैं अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछूं तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ है, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ है, सही है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस तरफ आएगा। तो Q1 अगर आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली ई पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है। सेकंड देखिए, इफ Q2 चेंजेस, अगर आपने Q2 को चेंज किया ई विल चेंज बट फाई विल नॉट चेंज। यस, अगर आपने Q2 को चेंज किया तो ई तो चेंज होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन फाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कारण क्योंकि Q1 को चेंज नहीं किया ना, तो फाई तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो इसका मतलब इफ Q2 चेंजेस ई विल चेंज बट फाई विल नॉट चेंज, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड देखिए, इफ Q1 इज इक्वल टू 0 एंड Q2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q1 को आपने 0 कर दिया, Q2 नॉट इक्वल टू 0, देन E नॉट इक्वल टू 0 बट फाई इज इक्वल टू 0। डेफिनेटली फाई 0 होगा क्योंकि Q1 0 हो चुका है, बट E यहां पर 0 नहीं होगा क्योंकि Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा ना यहां पर। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इफ Q1 नॉट इक्वल टू 0 एंड Q2 इक्वल टू 0, देन E इज इक्वल टू 0। यस, अगर देखो Q2 अगर 0 कर दिया आपने और आपसे पूछा जाए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण तो प्रेजेंट होगा ही ना, तो E इज इक्वल टू 0, तो ये गलत हो गया है ना, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब फोर्थ इनकरेक्ट है। तो इसके करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, आइडेंटिकल डायलैक्ट्रिक स्लैब्स आर इंसर्टेड इनटू टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए एंड बी। दीज कैपेसिटर्स एंड ए बैटरी आर कनेक्टेड एज़ शोन द फिगर। नाउ द स्लैब ऑफ द कैपेसिटर बी इज पुल्ड आउट विद बैटरी रिमेनिंग कनेक्टेड। ठीक है, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, और स्लैब है इनके अंदर वो भी आइडेंटिकल है, और एक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी का वोल्टेज मैं वी नॉट कंसीडर कर लेता हूँ, राइट। तो अब हमसे पूछा है कि अगर स्लैब को अगर आप रिमूव करते हो और बैटरी कनेक्टेड रहती है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग द प्रोसेस चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू बी, अगर हम देखें तो अगर आप इसको स्लैब को बाहर रिमूव करते हो, है ना, इजेक्ट करते हो, निकालते हो इसमें से, तो उस केस में सिस्टम का कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। क्योंकि पहले ही मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस सी था, इसका सी था, तो अब सी बाय के हो जाएगा, है ना, स्लैब हटा दी ना आपने, तो सी जो है इसका रिड्यूस होने का मतलब सीरीज में भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगा। अगर इफेक्टिव कैपेसिटेंस रिड्यूस हो गया तो जो चार्ज है ऑन द सिस्टम वो कितना होगा, क्यू बराबर सी इक्वलेंट इंटू वी, वी बराबर वी नॉट है। सी इक्वलेंट डाउन होने का मतलब चार्ज डाउन हो जाएगा सिस्टम पे, दोनों पे सेम पे, तो दोनों पे चार्ज डाउन होने का मतलब वो क्या हुआ, पहले जो चार्ज क्यू था अब चार्ज कम हो गया, इसका मतलब चार्ज किस तरफ जाएगा, ए से बी जाएगा ना, तभी तो डाउन होगा। तो भैया ए से बी की तरफ चार्ज का फ्लो हो जाएगा, वो जो भी चार्ज आएगा डेल्टा क्यू, डिफरेंस जो आएगा वो डेल्टा क्यू इस तरफ फ्लो होगा, तो ए से बी की तरफ चार्ज फ्लो होगा, डेफिनेटली सही है। सेकंड क्या कह रहा है, फाइनली चार्ज ऑन कैपेसिटर बी विल बी लेस देन दैट ऑन ए, ना ये गलत है, पहले चार्ज क्यू था अब चार्ज क्यू डैश है दोनों पे, तो सेम रहेगा चार्ज, सीरीज में चार्ज का फ्लो सेम रहता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफ पार्ट ऑफ व्हिच अपीयर्स एज हीट इन द सर्किट। देखो जब आप स्लैब को बाहर हटाओगे ना, निकालोगे ना, तो सीधी सी बात है चार्ज जो है वो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा दोनों कैपेसिटर्स पे, है ना। तो जब भी चार्ज एडजस्ट होता है मेटल पर, कंडक्टर पर, तो उस केस में ये हमेशा ध्यान रखना हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज जरूर होती है। वैसे वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट ही तो वर्क कर रहा है, उसका कुछ पार्ट बैटरी के अंदर स्टोर होगा। यहां से देखो कैपेसिटर की एनर्जी डाउन होगी, तो कुछ पार्ट जो है एनर्जी जो कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट तो बैटरी में जाएगा, क्योंकि बैटरी में चार्ज एंटर कर रहा है बेटा। एंटर करने का मतलब ये हुआ बैटरी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है,
तो कैपेसिटर्स की कुछ एनर्जी तो इसके अंदर जाएगी और जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है ना वो भी उसको मिल रहा है, वो भी उसको वो वाला पार्ट का भी कुछ ना कुछ पार्ट एनर्जी जो इस बैटरी को मिल रहा है और कुछ ना कुछ पार्ट जरूर हीट की फॉर्म में रिलीज होता है बेटा। चार्ज जब भी एडजस्ट होता है ना तो ये ध्यान रखें हमेशा कि हीट लॉस जरूर होता है, थर्ड ऑप्शन जरूर होगा इसका। फोर्थ है ड्यूरिंग द प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द बैटरी इंक्रीजेस, ये तो कंफर्म है, फोर्थ भी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर हैं फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए बी सी डी ई एफ जी एच इज ए होलो क्यूब मेड ऑफ एन इंसुलेटर सी फिगर, फेस ई एफ जी एच हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इनसाइड द क्यूब वी हैव आयनाइज्ड हाइड्रोजन, द यूजुअल काइनेटिक थ्योरी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इज। तो प्रेशर के लिए आपको इसके अंदर रिलेशन बताना है, तो इसके अंदर गैस है, हाइड्रोजन गैस है और वो भी आयनाइज्ड है, आयनाइज्ड होने का मतलब ये हो गया उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर प्लस चार्ज आपने इसको दिया है तो प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, ये जो फेस दिख रहा है आपको इस फेस पर प्लस चार्ज आपने दिया तो प्लस और हाइड्रोजन जो गैस है उनके बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन होगा तो सीधी सी बात है एक तरीके से इंटरमोलिकुलर फोर्स की तरह वो बिहेव कर रहा है ना, और वो फोर्स है ना वो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि ये एक लिमिटेड साइज का प्लेन है, इसका मतलब यहां पर जो फील्ड होगा ना इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्पेस के अंदर वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा तो मतलब यहां पर जो आयनाइज्ड गैस है ना हाइड्रोजन आयनाइज्ड गैस जो है इस पे मॉलिक्यूल्स पे फोर्स भी लगेगा वो भी अलग अलग अमाउंट में लगेगा। तो पहली चीज तो ये हो गया कि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, किनके बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा, हाइड्रोजन आयनाइज्ड गैस है ना तो आयनाइज्ड गैस है तो हाइड्रोजन जो एटम्स है उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है एक तरीके से, तो इसका मतलब इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है तो हमें पता है आइडियल गैस के लिए हम इंटरमोलिकुलर फोर्स को नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं लेकिन यहां पर वो है नहीं, इसका मतलब वो कंडीशन जो हमने प्रूव कर रखा है प्रेशर के लिए केटीजी के अंदर वो इस पे लागू नहीं होगा, विल बी वैलिड नहीं, विल नॉट बी वैलिड सिंस द आयंस वुड एक्सपीरियंस फोर्सेस अदर देन फोर्सेस ड्यू टू द कोलिजन विद द वॉल्स। यस, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, विल नॉट बी वैलिड सिंस कोलिजंस विद वॉल्स वुड नॉट बी इलास्टिक, नहीं ऐसा नहीं है, कोलिजन इलास्टिक हो सकती है, प्लस प्लस है, रिपेल करेगा एंड वापस चला जाएगा, तो कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ वापस चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी एंड देन वापस काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उसके पास, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, विल नॉट बी वैलिड बिकॉज आइसोट्रॉपी इज लॉस्ट। यस, क्योंकि देखो इस पे प्लस चार्ज है, इन पे भी प्लस चार्ज है, प्लस प्लस में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, और उसके अलावा एक खास बात क्या, सॉरी हाँ, इस पे प्लस चार्ज प्लस प्लस रिपल्शन हो रहा है, उसके अलावा खास बात क्या है कि जो फोर्स लग रहा है ना वो फोर्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वैरी करेगा बेटा, और फोर्स अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वैरी करेगा तो उस केस में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टिकल्स का है ना, जो स्पेसिंग है, जो गैप है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट है तो आइसोट्रोपी नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मली पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसके अंदर, और नहीं होगा तो उस केस में प्रेशर का जो रिलेशन हमारे पास आता है वो एग्जैक्ट वैसा नहीं आएगा जैसे हमने केटीजी के अंदर निकाला था बेटा, तो फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे ग्रेविटी है, जैसे कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है ना, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट हम इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, इसलिए इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो चार्ज प्लेन है इसका फोर्स लगेगा और वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, वहाँ पर ग्रेविटी जो जी का इफेक्ट है ना वो अगर हम स्मॉल कंटेनर ले लें तो उसमें ग्रेविटी सब जगह सेम रहती है तो उसका इफेक्ट सब पे सेम रहता है, ठीक है, और वो भी नेग्लिजिबल, मतलब वेलोसिटी के सामने उसका इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल होता है इसलिए हम उसको कंसीडर कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, इसका मतलब फोर्थ भी इसका करेक्ट हो जाएगा, विल नॉट बी वैलिड बिकॉज आइसोट्रोपी इज लॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन द अरेंजमेंट शोन पुली एंड थ्रेड्स आर मासलेस, आपके सामने डायग्राम दे रखा है, मास ऑफ प्लेट इज 20 kg एंड दैट ऑफ बॉय इज 30 kg, ठीक है, तो प्लेट का मास जो है उसको मैं कैपिटल एम लिख देता हूँ, कैपिटल एम इज इक्वल टू 20 kg एंड स्मॉल एम जो मैन का मास है वो 30 kg, ठीक है, देन पूछा क्या है, अब देखिए, इफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉय इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉय देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द रोप बाय बॉय इज दिस। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर नॉर्मल फोर्स अगर बॉय के वेट के इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, तब जो वो रोप पे जो फोर्स लगाएगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, ये चेक करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए, प्लेट का मास 20 kg बेटा, तो यहाँ पर लग गया mg, मतलब 20 × g, मैन का जो मास है वो 30 है तो 30 × g लग गया, पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं सबसे पहले 30 g, और नॉर्मल जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है इस मैन पे n, और n की वैल्यू भी एग्जैक्टली 30 g के बराबर है,
एन भी एग्जैक्टली 30g के बराबर है, और जितना एन ये मैन पे प्लेट लगाएगा उतना उतना सेम एन इस प्लेट पे भी लगेगा नीचे की तरफ एन 30g, ठीक है। तो 30g पे डाउनवर्ड लग गया। अब मैन जो है वो टेंशन फोर्स लगा रहा है इस रोप पर, तो मैन पे टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा टी, ये सेम टेंशन यहाँ आएगा, ये भी सेम टेंशन इस तरफ लग जाएगा टी, ठीक है। ये टी टी दोनों ऐड होकर के इसमें टूटी हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर भी टूटी के बराबर फोर्स लग गया, ओके। तो अब अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है सिस्टम सपोज ऊपर की तरफ, तो मैन के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं क्या बनेगी, टी ऊपर लग रहा है, 30g ऊपर लग रहा है और 30g नीचे लग रहा है मैन पे, नॉर्मल ऊपर लग रहा है ना, 30g ऊपर टी ऊपर एंड 30g इसका जो वेट है वो भी डाउनवर्ड लग रहा है। तो उसके लिए मैन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, टी क्योंकि 30g कैंसिल आउट हो जाएगा, टी इज इक्वल टू मास कितना मैन का 30, एक्सेलरेशन है ए, सेम एक्सेलरेशन से प्लैंक भी ऊपर जाएगा क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्लैंक की बात करें या प्लेट की बात करें तो इस पे देखो टेंशन फोर्स टी लग रहा है ऊपर, 2t लग रहा ऊपर, तो नेट फोर्स कितना लगा ऊपर 3t, और नीचे की तरफ देखा जाए तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, 30g 20g नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल 30g के बराबर है, तो ये लग गया डाउनवर्ड -50g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास प्लेट का कितना है 20 इंटू एक्सेलरेशन ए है। आपको टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो 3t - 50g इज इक्वल टू 20 इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी आई टी अपॉन में 30, इसे कट करेंगे अपन, 2t/3 को इधर ले जाइए तो 2t/3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3t - 2t/3 कितना आएगा, 3 9 9 2 7 7t/3 इज इक्वल टू 50g, सो टी इज इक्वल टू आ गया 150g/7, इतना टेंशन लगाना पड़ेगा उसको मैन को, है ना, रोप पर, मतलब रोप पे फोर्स इतना ही लगेगा। चेक करते हैं एक बार, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, यस, तो 150g/7, यस, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मतलब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इफ द बॉय, ये फर्स्ट सही है, इफ द बॉय अप्लाइज नो फोर्स ऑन द स्ट्रिंग देन द नॉर्मल रिएक्शन ऑन हिम इज 30g, जी है ग्राम में, जी है, ओके। अगर ये बंदा इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा रस्सी पर तो टेंशन फोर्स नहीं होगा, सीधी सी बात है, और जब टेंशन फोर्स नहीं होगा तो मैन पे जो फोर्स है, देखो ध्यान देना, टेंशन फोर्स 0 0 0 पूरे में 0, तो रस्सी में टेंशन 0, यहाँ पे भी 0 तो इसमें भी 0, तो इस प्लैंक पे टेंशन फोर्स ऊपर लग ही नहीं रहा भाई, तो टी 0 हो जाएगा एम जी, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, फिर मैन पे नॉर्मल फोर्स लगेगा क्यों, इसका मतलब सेकंड इसका इनकरेक्ट है जी। थर्ड देखिए, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द बॉय इज अप्लाइंग 125 N फोर्स ऑन द रॉप एंड फोर्स एंड नन ऑफ दिस, चलिए ये और देख लेते हैं अपन। ये कह रहा है कि अगर मैन इसको पकड़ के रखता है और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रोप पर जो मैन है वो कितना फोर्स लगाएगा, रोप पर मैन कितना फोर्स लगा रहा है, टेंशन फोर्स ही तो लगा रहा है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है कहीं नहीं जा रहा तो सीधी सी बात है मैन पे टी फोर्स किधर लगेगा, टी फोर्स ऊपर, ये टी यहां पे लग जाएगा सेम, ये टी टी यहां पे जुड़ करके कितना आ गया 2t, ये 2t यहां आ जाएगा, करेक्ट। अगर अच्छा ये 2t इधर लग रहा है, अच्छा ये टी इधर लग रहा था, ये भी 2t है, और यहां पर मैन पे कितना लग रहा है, यहां पर टी लग रहा है, मैन पे भी टी लग रहा है, मैन रस्सी को नीचे खींच रहा है, रस्सी मैन को ऊपर की तरफ खींचेगी, सही है। अब ध्यान देना, मैं सिस्टम में प्लैंक और मैन को कंसीडर कर रहा हूं और ये सिस्टम रेस्ट में है, तो आप बोर्ड से देख लेना सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, 2t t एंड t, 4t लगा ऊपर और नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, इसका mg, इसका mg, और दोनों का mg जुड़ करके 30 एंड 20 कितना आ जाएगा 50g, है कि नहीं है बस। और ये सिस्टम रेस्ट में है, इसका मतलब 40 बराबर 50g, g की वैल्यू 10 रख दे तो 500 हो गया, t बराबर कितना आ गया 500/4, डिवाइड करो इसको 1, ये आ जाएगा 2, ठीक है, और 5, तो 125 N ये फोर्स लगाएगा, यस, तो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं अपन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू ए लो एनर्जी लेवल, ठीक है, तो बताइए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कैसा होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का, mvr इक्वल्स टू nh/2π होता है जी। अगर हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो n की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, नहीं रहेगा, है ना, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ही इनकरेक्ट हो गया। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सीधी सी बात है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, ठीक है, न्यूक्लियस के नजदीक आएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो mv2/r, v ज्यादा होगा, v ज्यादा होगा, सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसका मतलब सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा, समझ गए ना बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगा और वो फोर्स किसके बराबर होगा, mv2/r के बराबर होगा ना, तो v ज्यादा होगा बेटा। थर्ड,
wavelength of de Broglie wave associated with the motion of the electrons decreases. सीधी सी बात है, स्पीड बढ़ गई तो वे जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एमवी भी तो इंक्रीज हो जाएगा, और एमवी अगर इंक्रीज हो गया तो डी ब्रोगली वेव लेंथ जो लैम्डा बराबर कितना आएगा, एच अपॉन में एमवी, वी बढ़ने का मतलब लैम्डा रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है बेटा, नन ऑफ दिस में है नहीं, तो इसके करेक्ट ऑप्शन कौन से हो गए, सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. आइए, When the temperature of a copper coin is raised by 80 degree Celsius, its diameter increases by 0.2%. मतलब linearly जो changes आ रहे हैं वो 0.2% है बेटा. मतलब linear जो expansion होता है ना delta L बराबर alpha into L into delta T होता है. Delta T is the temperature difference. ठीक है, और delta L by L into 100 कर दें अपन तो वो alpha delta T into 100 के बराबर हो जाएगा. और ये वाली क्वांटिटी आपको 0.2% दे रखी है, ठीक है. और ये वाली क्वांटिटी कितनी है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 80 है तो 80 और 100 मतलब 8000 इनटू अल्फा. और यहां से अगर आप देखो इसको तो ये 10 टू द पावर, वैसे 10 की पावर 4 हो गया, यहां पर ये काट दो इसको 4, तो 1 अपॉन में 4 10 टू द पावर माइनस सॉरी प्लस 4 आ गया बराबर अल्फा. इसको अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो. इसको अगर बेटा डिवाइड कर दें यहाँ पर तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 0.25 आ जाएगा और इंटू 10^-4 पर डिग्री पर डिग्री कह सकते हो आप, पर डिग्री सेल्सियस मतलब. तो अल्फा की वैल्यू आ रही है तो अल्फा कहीं मिल रहा है, यस कोफिशियल लीनियर एक्सपेंशन, यस लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट जो कॉपर का वो इतना है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट है. आगे क्या कह रहा है, परसेंटेज राइज इन द एरिया ऑफ ए फेस इज 0.4%. देखो एरिया की बात करें तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करनी पड़ेगी, तो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू कितना आएगा, बीटा इंटू डेल्टा टी आएगा ना, यस, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो ये भी 100 हो जाएगा. और बीटा की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होती है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है ना इसकी जस्ट डबल आएगी. डबल आने का मतलब ये 0.2% है 0.4%, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है. सेकंड देखिए, परसेंटेज राइज इन द थिकनेस इज 0.4%. थिकनेस मतलब लीनियर एक्सपेंशन, तो थिकनेस भी 0.2% ही होगी, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन का इनकरेक्ट है. थर्ड क्या, अगर परसेंटेज राइज इन द वॉल्यूम इज 0.6%, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा और यहाँ गामा आ जाएगा, यहाँ डेल्टा टी आ जाएगा. और गामा बेटा अल्फा का 3 टाइम्स होता है, मतलब उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 0.2 × 3 मतलब 0.6%, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है. तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इसके राइट आंसर हो जाएंगे बेटा. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. आइए, इन द अरेंजमेंट एज शोन द फिगर S1 एंड S3 आर ऑलरेडी क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम. ठीक है, S1 और S3 को अपने लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया. ठीक है, चलो क्लोज कर देते हैं, ये अभी क्लोज नहीं है, इसका मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा. ओके, नाउ एट इक्वल टू 0 S2 इज क्लोज्ड एंड S1 S3 आर ओपन. S2 को तो क्लोज कर दिया और इन दोनों को ओपन कर दिया. E1 बराबर 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये भी E है, ये भी 1 वोल्ट है. L 1 हेनरी है, 1 H. R ये वाला दे रखा है यहां पर 1 ओम और C 1 फैरड. ठीक है, चलिए पूछा क्या है, आफ्टर S2 इज क्लोज द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर इज 2 एम्पियर. अच्छा, अभी के लिए देखा जाए, जब ये क्लोज नहीं था, अभी ये क्लोज है, तो आप क्या इसमें चार्ज बता सकते हो कितना होगा, या एनर्जी बता सकते हो, इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ CV स्क्वायर. C की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1/2 आ गई एनर्जी. और इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी हाफ LI स्क्वायर, क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात होगी, क्योंकि ये काफी देर तक ये क्लोज था. हाफ L की वैल्यू 1 इंटू V की वैल्यू I की वैल्यू कितनी आएगी, I बराबर आ जाएगा V अपॉन में R 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा करंट, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये भी 1/2 आया. देखो तो मतलब एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इसमें भी 1/2 थी और इसमें भी 1/2 है. ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को हटा करके S2 को क्लोज कर दिया. तो S2 को जब क्लोज करेंगे अपन, ठीक है, तो यही मैं इसको थोड़ा सेटल डाउन करने की कोशिश करता हूं. ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने S2 को क्लोज किया, ठीक है, तो अब इसमें LC ओसिलेशन होगा. और हालांकि इस कैपेसिटी पे जो चार्ज आया था, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, और करंट इंडक्टर के अंदर पहले ऐसे फ्लो कर रही थी, तो इसी डायरेक्शन में ही ये चार्ज है, तो ये चार्ज को फ्लो करवाएगा, तो कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है इसके अंदर. तो इसमें LC ओसिलेशन होगा, यूं फिर कभी यूं फिर कभी यूं, लगातार ओसिलेशन होगा, और ओसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है.
ठीक है, तो खैर हमसे पूछा है कि आफ्टर S2 इज क्लोज द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर इज 2 एम्पीयर। देखते हैं इसमें एनर्जी इतनी है और इसमें भी एनर्जी इतनी है। जब मैक्सिमम करंट होगी कैपेसिटर इंडक्टर के अंदर तो उस समय कैपेसिटर में एनर्जी जीरो स्टोर होगी। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम बात करें तो इनिशियल एनर्जी कितनी आएगी 1/2 एंड 1/2, टोटल एनर्जी कितनी 1 होगी ना बराबर। वो सारे के सारे एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में अगर कन्वर्ट हो जाए तो हाफ एल आई स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है 1 I स्क्वायर। सो ये 2 इधर चला गया, 2 बराबर आई स्क्वायर, मतलब आई बराबर रूट 2। इसका मतलब मैक्सिमम करंट रूट 2 है या 2 एम्पियर है? नहीं है जी, रूट 2 एम्पियर करंट मैक्सिमम इस इंडक्टर के अंदर फ्लो होगी, करेक्ट। तो ये था सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटी इज 2+√2 कूलम या √2 कूलम है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, ये भी देख लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन देखें तो ये दोनों रिलेशन तो मैंने लिख दिए, 1 1 1 के बराबर आ जाएगा दोनों का सम। अब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो Q²/2C होगी और Q जो है मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा उस केस में, है ना, क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। तो 1 बराबर Q²/2C, ये C की वैल्यू 1 है बेटा, ये 2 उधर जाएगा तो Q²/2, अगेन Q की वैल्यू कितनी आ गई √2 के बराबर। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड एंड फोर्थ इसके करेक्ट आंसर आ जाएंगे सेवंथ क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। आइए, द फिगर रिप्रेजेंट्स ए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ फॉर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देन आपको डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ दे रखा है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ। और हमसे पूछा है कि कौन सा रीजन कंप्रेशन का है, कौन सा रीजन रेयरफैक्शन का है। तो बेटा एक चीज है काफी सिंपल सी, आप देख लीजिए, जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, अगर पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स रेस्ट में हो तो इनका कुछ पोजीशन ऐसी बनेगी, लेकिन जैसे ही वेव ट्रेवल करने लग गई तो ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है। पॉजिटिव का मतलब ये वाला पार्टिकल यूं ऑसिलेट होगा, मतलब यूं ऐसे मूव करेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर, तो ये वाला पार्टिकल यहां नहीं होगा, प्लस एस का मतलब ये वाला पार्टिकल अपने इस पोजिशन से कुछ इस तरफ आ जाएगा। इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो तो ये यही रहेगा, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है, इसका मतलब ये पीछे की तरफ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इस वाले पार्टिकल का तो जीरो यही रहेगा, इस वाले पार्टिकल की बात करें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वो उस तरफ चला जाएगा, समझी बात। तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है, यहां पर तो पार्टिकल्स पास पास है, यहां पे दूर दूर है, देखो इसका मतलब ए बी सी रीजन जो है वो कंप्रेशन का है और सी डी ई रीजन जो है वो रेयरफैक्शन का है, यहीं से बेटा आइडिया लग जाएगा। इसके लिए इक्वेशन लिखने की 1% की जरूरत नहीं है, डायग्राम से ही आप बेटा आसानी से पता लगा सकते हो। तो ए बी सी इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन, यस सही है। पार्ट ए बी सी ये गलत हो गया, पार्ट सी डी ई इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन ये भी गलत है, पार्ट सी डी इज रिप्रेजेंट रीजन ऑफ रेयरफैक्शन ये सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेज एस वन एंड एस टू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, ईच सोर्स इमिट्स लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वेयर एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, द लाइन एस वन एस टू व्हेन एक्सटेंडेड meets the screen perpendicular to it at point A, which of the following is correct? देखिए दो सोर्स आपको दे रखे हैं बेटा, one is S1 and other one is S2, ठीक है, और S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो L के बराबर और L की वैल्यू लैम्डा से काफी ज्यादा है और इनसे जो वेव्स निकल रही है उन वेव्स की वेवलेंथ लैम्डा है और इसको एक्सटेंड कर दें तो एक स्क्रीन पे ये मिलेगा और जिस पॉइंट को मीट कर रहा है उस पॉइंट को इसने ए नाम दिया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। फ्रिंजेस आर सर्कुलर, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, स्क्रीन पर फ्रिंजेस कैसे नजर आएंगे? तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा, देखो S1 से वेव मान लीजिए इस पॉइंट पे आती है, S2 से इस पॉइंट पे वेव पहुंचती है, मान लीजिए इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। लेकिन 3D की बात करें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, देखो ध्यान से देखना कुछ ऐसा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो ये स्क्रीन है सामने और ये यहां पर ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, S1 से वेव आ रही है, S2 से वेव आ रही है, S1 से वेव आ रही है, यहां पे भी ये पहुंचेंगे देखो ऐसे कुछ करके। तो कौन शेप में ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो जो भी मान लीजिए nth मैक्सिमा है तो nth मैक्सिमा के अकॉर्डिंग सर्कल बन जाएगा, क्योंकि दोनों से वेव्स ऐसे आएंगी और यूं घूम जाएंगी, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा आपको, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको मिलेगा। इससे अंदर में भी रिंग्स बनेगी कहीं ना कहीं, जैसे n बराबर 1 वाला आएगा, n बराबर 2 वाला आएगा, n बराबर 3 वाला आएगा, तो इस वजह से आपको सर्कुलर फ्रिंजेस नजर आएंगी स्क्रीन पर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके।
फ्रिंजेस आर स्ट्रेट लाइन, गलत हो गया ये, फर्स्ट सही है इसका, सेकंड इनकरेक्ट है। एट पॉइंट ए इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इफ एल इक्वल्स टू एन लैम्डा। ए पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ए पॉइंट नजर आ रहा है आपको, तो एस टू से वेव आएगी और एस वन से वेव आएगी, बताइए इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। एल के बराबर ही तो आया, अगर एल बराबर एन लैम्डा है इसका मतलब इंटरफ्रेंस कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन का सही है। फोर्थ, नो इंटरफ्रेंस पैटर्न इज ऑब्टेंड, ऐसा नहीं है, ये गलत है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन के बेटा करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, अब हम इंटीजर सेक्शन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर वन को अच्छे से केयरफुली पढ़िए। एन इंडक्टर कॉइल, ए कैपेसिटर एंड एन एसी सोर्स वी इक्वल्स टू 24√2 कॉस ओमेगा टी आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज वैरिड एंड ए मैक्सिमम आरएमएस करंट 12 एम्पीयर इज ऑब्टेंड। ध्यान देना, आपने फ्रीक्वेंसी को कॉम्प्रोमाइज किया, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज किया आपने, और मैक्सिमम आरएमएस करंट 12 एम्पीयर आपको ऑब्टेन हो रही है। इसका मतलब वो रेजोनेंस वाली कंडीशन में पहुंच चुके हैं। रेजोनेंस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होती है बेटा, और अगर रेजोनेंस है तो उस केस में एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाते हैं और सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। रेजिस्टिव होने का मतलब ये हुआ कि इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने केवल इंडक्टर और कैपेसिटर ही कनेक्टेड कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टर आपने ऐड नहीं किया है, इसका मतलब इंडक्टर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर। वो रेजिस्टेंस मैं आर मान लूँ तो फिर बताइए जरा 12 एम्पियर करंट मिलने का मतलब क्या हुआ। वीआरएमएस यहाँ पर कितना आएगा, 24√2 इसकी पीक वैल्यू, तो वीआरएमएस है 24 वोल्ट, क्योंकि वी बाय √2 हो जाएगा, तो 24 वोल्ट वीआरएमएस आ गया। और रेजिस्टेंस अगर मैं आर कंसीडर करूँ तो आर बराबर आ जाएगा इक्वेशन से 24 बाय आई 12 2 ओम। इंडक्टर का खुद का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये यहाँ पे इसने हिंट दे दिया है अपन को। नेक्स्ट देखिए, सपोज दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। अब इस इंडक्टर को आपने 12 वोल्ट की बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, और इस इंडक्टर का खुद का भी तो रेजिस्टेंस है जो कि हमने अभी भी फाइंड आउट किया 2 ओम है, ये एल है, आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 1 हेनरी, एल इज इक्वल टू 1 हेनरी, देन फाइंड आउट द फाइनल एनर्जी इन जूल स्टोर्ड इन द इंडक्टर। फाइनल एनर्जी का मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब आपने बैटरी से सिंपल कनेक्ट किया, स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है सर्किट के अंदर, उस करंट की वैल्यू होती है E by R, E is 12 volt and R is 1 and 2, 3 ohm। कट करोगे तो करंट कितना आएगा, 4 एम्पियर। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वेयर एंड योर एल इज 1, आई इज 4, स्क्वेयर ऑफ 4 इज 16, आंसर इज 8 जूल। तो फर्स्ट का आंसर बेटा 8 जूल आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो इंटीजर में आपको 8 फील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्पेसशिप इज सेंट टू इन्वेस्टिगेट ए प्लेनेट ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर व्हाइल हैंगिंग मोशनलेस इन स्पेस एट डिस्टेंस 5 आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। द स्पेसशिप फायर्स एन इंस्ट्रूमेंट पैकेज ऑफ मास स्मॉल एम व्हिच इज मच स्मॉलर देन द मास ऑफ स्पेसशिप। The packet is thrown at an angle theta with velocity v naught so that the packet can just graze the surface of planet. Yes, if k is equal to theta by 10, then what is the numerical value of k? K की numerical value आपको बतानी है और बाकी आपको ये hint दे रखा है, gm by v naught square r equals to 105/32. ठीक है, तो आपने इस particle को launch किया, यहाँ से particle यूँ जाएगा घूमता हुआ, ठीक है, और इस part को हम next page पे करें तो better रहेगा, और हमें k बाय थ्री k की वैल्यू, अच्छा ये साइड में जो वैल्यू है इसको मैं लिख देता हूँ, जी एम बाय वी नोट स्क्वेयर जो r है उसकी वैल्यू है 105 अपॉन में 32 एंड k बराबर थीटा बाय 10 है, ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए देखना, देखो आपने m मास के पार्टिकल को यहाँ से लॉन्च किया, ये पार्टिकल यूँ मूव करता हुआ यूँ आया और जस्ट ग्रेज करके निकला, मतलब एकदम टेंजेंशियली, तो यहाँ पर जब भी निकलेगा इसकी स्पीड मान लीजिए v है, यहाँ पे स्पीड कितनी है, v नॉट है, तो बेटा देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि टॉर्क जो है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेनेट इज जीरो, तो टॉर्क को जीरो होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो कितना आएगा, एम वी नॉट का कौन सा कंपोनेंट, 5R के परपेंडिकुलर वाला, तो एम वी नॉट साइन थीटा, तो एम वी नॉट साइन थीटा, ये लीनियर मोमेंटम आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 5R बराबर, जब यहां पहुंचेगा तो अब लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, m into v and perpendicular distances r, correct? तो यहां से m से m और r से r cancel out हो गया, so we have v is equal to 5 v naught sin theta, ठीक है। एक इक्वेशन में एनर्जी से रिलेटेड भी लिख सकता हूं, यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर
पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, सेंटर के बीच की डिस्टेंस 5R है, तो माइनस जी एम स्मॉल एम बाय 5R, और जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, क्योंकि डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अपन देखो एम 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 कैंसिल आउट हो गया, इस वाले पार्ट की नेगेटिव है, इस पार्ट को इधर ले आइए, ये 1/2 वी नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे ये 1 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 1/5 आ जाएगा 4/5, तो प्लस का 4/5 जी एम बाय आर और यहाँ आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। अपन देखो वी की वैल्यू 5 वी नॉट साइन थीटा जो है यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, और जी एम बाय आर की जो वैल्यू है वो 105/32 वी नॉट स्क्वायर वहाँ रख सकता हूँ मैं, तो चलो रखो वी नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस 4/5 इनटू जी एम बाय आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 अपॉन में 32 वी नॉट स्क्वायर, ये आ गया बराबर 1/2 देन वी स्क्वायर, वी की वैल्यू रख देते हैं 25 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से देखिए वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से भी कट कर सकते हो आप, 2 ये कट हो गया और यहां पे आ जाएगा 16। ठीक है, इससे भी कट कीजिए, ये 4 आ गया और 5 भी कट हो जाएगा इससे 21, राइट, तो 21/4 आ गया यहाँ पर और यहाँ पे 1 बचा केवल, तो 21/4 प्लस 1 मतलब 25/4 आ गया, ये 25/4 आ गया और इस तरफ देखा जाए केवल 25 साइन स्क्वायर थीटा है, 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन थीटा बराबर आ गया आपके पास 1/2, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आया आपके पास, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है और के बराबर थीटा बाय 10 है, तो 30/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, कि वैल्यू 3 आ जाएगी क्योंकि थीटा डिग्री में ही था प्रश्न में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में चलते हैं, हमने एकदम सही किया है, इसको रब कर देता हूं मैं, तो यहां पर थीटा किस में था, थीटा डिग्री में ही था, राइट, पैकेट ये देखो वेयर थीटा इज इन डिग्री। ठीक है, तो थीटा डिग्री में है तो उस केस में के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 के बराबर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ए 4.0 केजी ब्लॉक कैरिंग ए चार्ज क्यू इक्वल्स टू 50.0 माइक्रो कूलम इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग फॉर विच के इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर, द ब्लॉक लाइज ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ट्रैक एंड द सिस्टम इज इमर्ज्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5.00 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर डायरेक्टेड एज शोन द फिगर, इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ओके, व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड एट x इक्वल्स टू 0, द मैक्सिमम एक्सपेंशन द स्प्रिंग इज x/10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, आपने जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया, अभी एक्सटेंशन 0 था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का देके लेके जाएगा आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स कांस्टेंट होगा, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा तो ब्लॉक रुक जाएगा ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0 है, फाइनल भी 0 होगी, इसका मतलब नेट वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस शुड बी 0, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें अपन यहां पर, तो कितना आएगा देखो, जब ये एक्सटेंड होगा स्प्रिंग में, एक्सटेंशन मान लीजिए एक्स है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, क्यू ई इंटू एक्स, चार्ज इज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, फोर्स इज क्यू ई एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, देन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई एक्स एंड द नेट वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले भी 0 थी, मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे भी 0 हो जाएगी, यहां से एक्स कट गया और यहां से देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2qE/k के बराबर आ गई बेटा। अब ये वैल्यू रखनी है 2 × q, क्यू अपने पास है यहाँ पर 50 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁶, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बेटा तो ये है 5 × 10⁵ और अपॉन के, के आपके पास है 100 न्यूटन पर मीटर, तो सारी यूनिट भी सही है, ऐसा ही है, तो ये 10⁻⁶ बचेगा यहाँ पर, ये इससे अगेन कट जाएगा, 5 बचा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, ये 10 बचा, 5/10 के बराबर ये वैल्यू आई है। हमसे यहाँ पर x की वैल्यू पूछिए बेटा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो x/10 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ए लाइट बीम ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अज्यूमिंग दैट 50% ऑफ द रिमेनिंग एनर्जी इज लॉस्ट टू द मेटल इन ईच कॉलिजन, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलिजन्स द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट बिकम्स अनेबल टू कम आउट ऑफ द मेटल। देखो एक चीज तो ये है कि 310 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो लाइट इस पर इंसिडेंट होगी मेटल पे, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी,
अपन बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वेवलेंथ अगर अपन को मालूम है तो 12400 अपॉन में एंगस्ट्रॉम में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 310, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। इसको कट करें अपन तो आई थिंक 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 124 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन है ये। जब ये फोटोन इस मेटल पे इंसिडेंट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वर्क फंक्शन है मेटल का, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, उसके पास काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी, ठीक है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो भी होती है। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब वो जस्ट मेटल को मेटल से बाहर आ ही पाते हैं बस, या नहीं आ पाते, वैसे वाली केस है वो। तो उन इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वहीं खर्च कर ही देंगे वो, मतलब उस मेटल से बाहर आने में, मतलब पोटेंशियल फील्ड से बाहर आने में उन इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। उसके अलावा वो इलेक्ट्रॉन्स लगातार कोलिजन करते हैं, उसके कारण वो लॉस हो जाता है। भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है यहाँ पे, 4 - 1 = 3। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, वो कुछ एक ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो भी होती है, क्योंकि उनकी बीच में कोलिजन हो जाती है बेटा। और ये कह रखा है कि जो कोलिजन होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है ना उसका 50% उसका लॉस हो जाता है रिमेनिंग एनर्जी का। इसका मतलब ये जो फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली, बराबर फोटोन पूरी कंप्लीटली एनर्जी इसको दे देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन किसी आयन से कोलिजन करेगा तो इसका 50% लॉस हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 50% कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अगेन एक बार और अगर कोलिजन कर दे तो अगेन 50% लॉस हो जाएगा उसका भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 50% अगेन क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास दो कोलिजन के बाद में एनर्जी कितनी बचेगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के बराबर है तो उतनी एनर्जी पोटेंशियल फील्ड को ओवरकम करने के लिए उसको बाहर आना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलिजन्स द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट बिकम्स अनेबल टू कम आउट ऑफ द मेटल जस्ट बाहर आने से, है ना, जस्ट मतलब बाहर आने वाला ही है एक तरीके से, वो वाला केस ले सकते हो आप। तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी होगी, यहाँ पर 2 हो जाएंगी, समझ में आई बात, यहाँ पर 2 हो जाएंगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इट इज प्रपोज्ड टू यूज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 1s2 + 1s2 इज इक्वल टू 2he4, मतलब ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम से मिलकर के आपने एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया है, अल्फा पार्टिकल बनाया है। देखिए इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ 200 मेगावाट रेटिंग इफ द एनर्जी फ्रॉम द अबव रिएक्शन इज यूज्ड विद 25% एफिशिएंसी इन द रिएक्टर हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द ड्यूटेरियम फ्यूल विल बी नीडेड पर आवर इज अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। पहली चीज तो हम ये करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को अपन देखते हैं। तो वो हम मास डिफेक्ट के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मास ऑफ जो रिएक्टेंट है वो कितना आ जाएगा, देखो 1s2 का मास आपको दे रखा है, amu के अंदर दे रखा है आपको, तो डेल्टा mc2 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दो ड्यूटेरियम है तो 2 × 2.0141 ये आ गया, माइनस प्रोडक्ट का मास कितना है 4.0026, है ना, ये डेल्टा m आ गया, और इंटू में c2 जो भी है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.6 × 10⁻¹⁹, इतनी जूल एनर्जी रिलीज होगी एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब बात आती है, मान लीजिए आपने m ग्राम जो है वो ड्यूटेरियम लिया, m ग्राम, और ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, और 1 मोल के अंदर आपको पता है कितने इसके एटम्स होंगे। तो अगर m ग्राम की बात करूं तो कितने एटम्स होंगे, है ना, कितने एटम्स होंगे, तो वो हो जाएंगे m बाय मॉलिक्यूलर वेट 2 × Na, मतलब 6.02 × 10⁻², है ना, अवोगाद्रो संख्या। ये आगे ये नंबर ऑफ ड्यूटेरियम आयन है, या मतलब एटम कह सकते हो आप, इतनी इतनी संख्या में। लेकिन हमें ये पता है कि एक रिएक्शन में 2 यूज होते हैं, इसका मतलब मुझे 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा,
तब जा करके मैं ये कह सकता हूँ कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग मतलब कितनी रिएक्शंस होंगी। ये देखिए, एक रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई और एक रिएक्शन में दो 1s2 यूज हो रहे हैं, तो अगर m ग्राम लूंगा तो m ग्राम में कितनी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। m ग्राम में इतने तो ये 1s2 हो जाएंगे, बाय 2 कर दूंगा तो इतनी रिएक्शंस होंगी, नंबर ऑफ रिएक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्लियर, ये एनर्जी रिलीज होगी। चलिए अब इस एनर्जी को बराबर करना है किसके साथ, देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना वो 200 मेगावाट का है, और ये भी कहा गया है इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना उसका केवल 25% ही यूज हो रहा है। ठीक है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के, न्यूक्लियर रिएक्टर से अपन 25% ही एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट यहां पे आया है, ठीक है, ये जो पार्ट यहां पे आया है ये डेफिनेटली 200 मेगावाट जो आपने लिखा है यहां पर है ना, 200 मेगावाट जो यहां पे लिखा है इसका 4 times होगा ना ये वाला पार्ट, तभी तो 25% होगा। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है 200 मेगावाट मतलब 200 मेगा मतलब 10^6 इसका 4 times होगा, है ना, इसका 4 times होना चाहिए। ये वोट के अंदर है और हमसे पूछा है कि 1 hour के अंदर, 1 घंटे में कितने चाहिए, तो इसको एनर्जी में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 hour के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये आपके सामने इक्वेशन रेडी है बेटा, ठीक है, और इस इक्वेशन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू ऑलमोस्ट 5 gram के आसपास आती है, है ना, लगभग 5 gram के आसपास ही इसकी वैल्यू आ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द सर्किट शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ 3 cells ईच ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इन वोल्ट फॉर द गिवन सर्किट। तो काफी सिंपल सा सर्किट दे रखा है और हमें VB माइनस VA की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम नॉड मेथड से काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप ये 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे पीछे ले आओ, बैटरी को नीचे ले आओ, मतलब आगे ले आओ इसको, और ये 5 ओम तो ऑलरेडी यहीं पे था, ये 8 वोल्ट की बैटरी आ गई, यहाँ पे भी 5 ओम है, ये भी 8 वोल्ट की बैटरी आ गई। इसको इक्वलेंट EMF से भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, वैसे ही कुछ नहीं है, 8 ये भी 8 ये भी 8 5 5 5, इस पॉइंट का वोल्टेज 0 मान लो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल फिर कितना आ जाएगा, 8, इसका भी 8, इसका भी 8, क्योंकि डिफरेंस 8 होना चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लीजिए, अब यहाँ पर आप KCL लगा दो, KCL तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होना चाहिए। I1 कितना आएगा, x माइनस 8 अपॉन में 5 डेल्टा V बाई R, x माइनस 8 अपॉन में 5, इसमें बताइए x माइनस 8 अपॉन में अगेन 5 प्लस इसमें से भी x माइनस 8 अपॉन में 5 बराबर क्या आना चाहिए, 0, 5 हट जाएगा, 3x बराबर 3 × 8, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, x बराबर कितना आ गया बेटा, 8 वोल्ट आ गया। इसका आंसर क्या जाएगा, क्योंकि VB माइनस VA पूछा था आपसे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट, क्योंकि VB तो हो गया VA x के बराबर और VA हो जाएगा 0 के बराबर, तो आंसर क्या आ गया इसका, 8। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल मैग्नेट दैट हैज ए पोल फेस रेडियस 2.8 cm कैन बी वेरीड sinusoidally between the minimum value of 16.8 tesla and maximum value of 17.2 tesla at a frequency of 50 pi hertz. Cross section of the magnetic field as shown in the figure at a radial distance of 2 cm from the axis, find the amplitude of the electric field in unit of 10 square millinewton by coulomb induced by magnetic field variation. Okay, so induced electric field iske andar generate hoga, अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर आपसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए उसकी वैल्यू कितनी होती है, काफ़ी सिंपल है, E इज इक्वल टू R/2, आर रेडियस है, इंटू dB/dt। अब हमें यहाँ B कैलकुलेट करना है। अब देखो B की मिनिमम वैल्यू इतनी है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी है और वो साइनसोइडली वेरी कर रहा है, इसका मतलब B का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, देखो रेफरेंस वैल्यू यहाँ पे होगी और यूं B चेंज होगा, हमारी बात 0 रेफरेंस लाइन ये वाली, तो मिनिमम वैल्यू ये है जो कि आपको 16.8 दे रखा है और मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है 17.2, तो इनका अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो मेरे पास डिफरेंस आने के बाद ये गैप आ जाएगा, दोनों पीक वैल्यू के बीच में गैप आ जाएगा, उसका हाफ कर दूंगा तो पीक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो ये पीक वैल्यू मान लीजिए बी नॉट है, ये जो है ना ये गैप, ये बी नॉट है, तो बी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सबसे पहले, बी बराबर ये जो पॉइंट है ना बी का, ये पॉइंट आप रफली कंसीडर कर सकते हो, वैसे निकाल तो सकते हैं अपन,
पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं बी डैश लिख देता हूँ, बी डैश प्लस, फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट आएगा ये वाला, ये पीक वैल्यू होगी ना। अच्छा डिफरेंस कितना आएगा 17.2 माइनस 16.8 में, ये आ जाएगा 0.4। तो जो ये डिफरेंस है 0.4 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.2 आ जाएगा ना। तो ये 0.2 आ गई पीक वैल्यू, है ना, 0.2 आ गई हमारे पास पीक वैल्यू। और बाकी है ना साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, ओमेगा वैसे 2 पाई एफ लिख सकते हो, 2 पाई इंटू एफ करेंगे अपन, एफ की वैल्यू 50 बाई पाई है, ठीक है। तो 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू 50 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू में टी लिख दो, तो ये 100 टी हो जाएगा। अब ये बी आ चुका है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं यहाँ पर, तो ई देखो कितना आएगा हमारे पास, आर बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये 0.2 आ गया, और बाकी आपको पता है साइन का कोस हो जाएगा, और ये जो अंदर वाली वैल्यू है 100 है, 100 से इसका आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कोस हो जाएगा, कोस ओमेगा टी। पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है, ये वाली आई ना, और यही हमसे पूछा है कि पीक वैल्यू कितनी आएगी इसमें, ठीक है। तो देखो पीक वैल्यू हम फाइंड आउट करें यहाँ पर, तो ई नॉट मतलब पीक वैल्यू है, आर जो है आपको दे रखा है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 × 10⁻²² बाई 2 × 0.2 × 100, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे सही किया है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए इसको फर्दर देख लेते हैं अपन, तो ये 100 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ई नॉट हमारे पास यहाँ पे कितना आया, ई नॉट हमारे पास आ चुका है 0.2, ठीक है। अच्छा न्यूटन पर कूलम, राइट, इसको फर्दर देख लेते हैं, इसको 10² से इनटू में 10² है, राइट, और मिली भी है, आपको पता है मिली मतलब 10⁻³ होता है, तो ये 10⁻¹ ही तो आया, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻¹, इसका मतलब ई नॉट की जो पीक वैल्यू आई यहाँ पर किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी विच इज एन बराबर 2.0 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी, इफ एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइजिंग द ड्रिफ्ट इज 20 × p° एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। देखो यहाँ पर एक खास चीज है कि जो बोट है ना, बोट की वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी से कम है, अगर मैं रिवर वेलोसिटी को v कंसीडर कर रहा हूँ ना, तो बोट की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो v बाय n है, मतलब v बाय 2 है, n की वैल्यू 2 है यहाँ पर, और जब वेलोसिटी कम होती है ना, तो उस केस में ड्रिफ्ट कभी जीरो नहीं हो सकता बेटा, जैसे ये रिवर है ना। अब रिवर वेलोसिटी जो है वो इस तरफ होगी वी आर वेक्टर, और वी बी आर वेक्टर जो है आपको इस वे से लेना है ताकि ड्रिफ्ट कम हो, ये लाइन है यहाँ पर, ड्रिफ्ट कम कब होगा, देखिए वी आर वी बी आर वैक्टर जो वी बाई 2 के बराबर है, वी बी आर वैक्टर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, अगर वी बी आर वैक्टर, ये वाला वैक्टर कौन सा आ जाएगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि वी बी वैक्टर आ जाएगा, है ना। ये ग्राउंड से अपन को ऐसा लगेगा कि जो बोट है ना वो कुछ इस तरफ जा रही है, तैर तो इस तरफ रही है, इस डायरेक्शन में वो तैरने का ट्राई कर रही है, लेकिन वो जा इधर रही है यूं कुछ करके, ठीक है। तो वी बी आर का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ना, तो वी बी आर आप किसी भी तरफ ले सकते हो, बोट जिस तरफ आप चला रहे हो ना, वो बोट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इस तरफ भी ले जा सकते हो, इस तरफ भी कुछ किसी भी डायरेक्शन में। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर इसकी लेंथ अगर फिक्स है इस एरो की, तो आप यूँ सर्कल बना सकते हो। तो अगर आपको ड्रिफ्ट मिनिमम करना है तो सीधी सी बात है, ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है ताकि इस सर्कल पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ ना, ठीक है, टेंजेंट बनेगी ना, उसके क्रॉसपॉन्डिंग ड्रिफ्ट मिनिमम होगी। अगर आपने वी बी आर अगर इस तरफ लेने का ट्राई किया, तो देखो अब वी बी वैक्टर इधर आ जाएगा, तो वी बी वैक्टर इधर आने का मतलब ड्रिफ्ट बढ़ जाएगी, तो आपको टेंजेंट के हिसाब से इसको डील करना है बेटा। तो इसका मतलब वी बी आर, वी आर और वी बी मिल करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अच्छा ये वाली जो इस एरो का जो मैग्नीट्यूड है वो वी बाई 2 है, और इसका मैग्नीट्यूड वी है, तो ये लेंथ वी है और ये लेंथ वी बाई 2 है, और जो बोट है जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है वो डायरेक्शन ये वाली है, रिवर फ्लो से इस डायरेक्शन में चल रही है वो, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है। अब आप थोड़ा गौर से देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसमें बेस कितना है वी बाई 2, हाइपोटेनस कितना है वी है, बताइए ये वाला एंगल कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज 1/2,
मतलब 60 डिग्री आया कि नहीं आया, ये 60 डिग्री आ गया। तो स्ट्रीम से कितने एंगल पे चल रही है ये पूरा एंगल 180 है तो ये 120 डिग्री आ गया, तो ये वाला एंगल कितना आना चाहिए 120 डिग्री आना चाहिए। सो 20p इज 120, तो b बराबर कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर। चलिए सिंपल क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट पी दे रखा है, देखिए ए क्वार्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर का पार्ट दे रखा है, क्वार्टर सिलेंडर, म्यू गिवन आपको इसका, रेडियस भी गिवन है इसके 30 सेंटीमीटर है जो कि एक्जैक्टली इसके बराबर ही है, ये 30 रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, हैविंग इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एट डिस्टेंस ऑफ 130 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, 130 सेंटीमीटर दे रखा है, द पोजिशन ऑफ द इमेज फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पैराबोलिक मिरर, ये कह रहा है कि ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, पहले लाइट रेज पैराक्सियल जाएंगी इससे पास होंगी, फिर इस पे पैराबोलिक मिरर पे इंसिडेंट होगी, उसके बाद में जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोलिक मिरर, इससे रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी उस इमेज की इस मिरर से डिस्टेंस कितनी है 25 लैम्डा है, मिरर की इक्वेशन भी दे रखी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बताइए, और एक्स एंड वाई आर इन मीटर, एक्स और वाई जो दे रखे ना ये जो इक्वेशन जो दे रखा आपको ये मीटर के अंदर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, आइए जरा ध्यान से देखिएगा, इधर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले लाइट रे इस प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होगी, प्लेन सरफेस पे जब इंसिडेंट होगी तो ये रेयरर मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से जब लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है और प्लेन सरफेस से जाती है तो जो डिस्टेंस दी होती है ना सरफेस से, है ना, इमेज जो बनती है वो म्यू टाइम्स एच ले लो या एक्स ले लो जो भी है उतनी डिस्टेंस पे फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, तो प्लेन सरफेस से जो इमेज बनेगी वो कुछ यहाँ पे बनेगी, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, म्यू है 1.5 जो कि 3/2 होता है और इंटू में 40, 3/2 × 40 कर दें तो ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये इमेज किसके कारण बनी, इस सरफेस के रिफ्लेक्शन कारण बनी, बन गई यहाँ पे इमेज। उसके बाद में लाइट रे इस कर्व सरफेस पे इंसिडेंट होगी, अब इस कर्व सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, अब इसके लिए देखते हैं इमेज कैसे बनेगी, वन कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू अप्लाई करनी है अपन को, म्यू टू मतलब जिसमें लाइट रे जा रही है, किसमें जा रही है एयर के अंदर मतलब वन, वी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस म्यू वन किससे आ रही है, इससे आ रही है देखो 1.5 तो 3/2 अपॉन में यू, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे इस तरफ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इस सरफेस से लेनी है अपन को, कितनी आ जाएगी ये वाली आएगी पूरी कंप्लीट, दिस इज 60 दिस इज 30 तो 90 आ जाएगा ना, वो भी माइनस का 90 मतलब प्लस हो जाएगा, ये 90 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, किस में जा रही है वन में एयर में, वन माइनस म्यू वन कितना है 1.5 मतलब 3/2 अपॉन में आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना है 30 है लेकिन सेंटर इधर आएगा तो माइनस का 30। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब 3 से काटो ये 30 आ गया, 1/V + 1/60 आ गया, ये यहाँ पे कितना बचेगा, ये भी माइनस का 1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एंड 30 मतलब 60 आ गया, तो 1/V की वैल्यू देखो कितनी आ रही है यहाँ पे, 0 आ रही है 1/V की वैल्यू, तो V बराबर इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट का मतलब समझे आप, इसका मतलब लाइट रेज यूँ पैरल आएंगी बेटा, यूँ पैरल आएंगी, तो इससे इस सिलेंडर से क्रॉस करने के बाद लाइट रेज पैरल आएंगी। अगर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आपने ले रखा है और लाइट रेज अगर पैरल आ रही है, पैरेक्सियल आ रही है, तो लाइट रेज किस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, उसकी फोकस पे कन्वर्ज होंगी, और पैराबोलिक मिरर का फोकस कहाँ पे होता है जी, देखो अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x है ना, तो फोकस ए डिस्टेंस पे होता है, मतलब अगर इसको वाई स्क्वायर बराबर 2x से कंपेयर करूँ, सॉरी 2x ओनली 2x है ये, ठीक है ओनली 2x से कंपेयर करूँ तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है 4a बराबर 2 है, इसका मतलब a बराबर 1/2 मीटर, क्योंकि मीटर में था x एंड y, तो 1/2 मीटर या सेंटीमीटर में बोले तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो a 50 सेंटीमीटर है भैया, तो यहाँ से o पॉइंट से 50 सेंटीमीटर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लाइट रेज कन्वर्ज होंगी, यहाँ पे इमेज बनेगी बेटा, ठीक है यहाँ पर ये इमेज बनेगी। अब पूछा क्या है देख लेते हैं, चलो ये कह रहा है इमेज फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 25 लैम्डा सेंटीमीटर, और आंसर क्या है 50 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब लैम्डा कितना होना चाहिए 2 ही तो होना चाहिए, 2 × 25 मतलब 50 सेंटीमीटर, तो लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी थी, आंसर इज 2, ठीक है। तो बेटा ये था आपका
पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। बाकी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उनकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ठीक है, सीखने को मिलता है, राइट, ओके, थैंक यू।